Hello friends, I am Mohammad Sharif and welcome once again to your online English language class. In today's episode, मैं आपको explain करने वाला हूँ standard 12 English medium की Flamingo book की एक बहुत ही खूबसूरत poem and the title of this poem is My Mother at 66. Friends, I have divided the explanation of this poem in two parts. In today's episode, I will explain you about the introduction of the poem and about the author, which will be helpful for us for our exams. And then I will go on to hard words of this poem, which we need to know before reading this poem. Hard words ko explain karunga. And then, uske baad mein aapko ek overview dunga is poem ka. That's jisse ki aap apne aapko familiarize kar lenge is poem se. And in the next video, I will give you detailed explanation and interpretation of this wonderful poem. So let's start with the introduction. My Mother at 66 is written by Kamala Das. She was leading Indian English poet. External factors do not reflect in her writings. Her writings bring out her true inner feelings. ये जो poem है ये Kamala Das ने लिखी है और India की जो जाने माने poets हैं उनमें से एक ये poet हुआ करती थी और उनकी जो writing है उनका जो लिखने का style है वो usually उसके अंदर उनकी inner feelings को ही जाहिर करती थी और उसके बारे में ही अक्सर उन्हें उनकी पोएट्स और पोएट्री वगैरह में देखने को मिलता है. इन दिस पोएम शी शेयर्स हर इनर फीलिंग्स, फियर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड होप रिगार्डिंग हर एजिंग मदर. और इस पोएम में भी कमला दास ने उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं या उनका जो डर है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है रिगार्डिंग उनकी जो एजिंग मदर है, एजिंग मदर को मतलब वो जो देख रही हैं उनको बूढ़ी होते हुए, उसका उसके रिगार्डिंग जो डर है उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है. Through this poem, Kamala Das relates her personal experience. She portrays a sensational separation of a mother and daughter. इस poem में उन्होंने एक माँ और बेटी के बीच का जो रिश्ता है और जो आपस में एक दूसरे से दूर जाने वाली जो feeling है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से description दिया है. She has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with on bidding farewell to her beloved mother. और इस poem में किस तरह से एक माँ और एक बेटी जो एक दूसरे से बिछड़ते वक्त किस तरह की फीलिंग्स होंगी और खास करके बेटी जो अपनी बूढ़ी माँ से जब अलग हो रही है तो उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको उस फीलिंग्स को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. नाउ हैव अ लुक एट सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस पोएम. डोज, डोज का मतलब होता है टू स्लीप लाइटली एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त के लिए और ज्यादा गहरी नींद में नहीं बट हल्की सी नींद के लिए सो जाना, उसे कहते हैं डोज. एशन लाइक, एशन लाइक यानी कि एश राख की तरह, जो राख होती है उसकी तरह, यानी कि बहुत ही फीका पड़ गया हुआ, वेरी पेल बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड इलनेस. गाइस आप इन फोटोज के थ्रू भी इस वर्ड्स के मीनिंग को इजीली समझ पाएंगे. कॉप्स यानी कि अ डेड बॉडी स्पेशली ऑफ अ पर्सन, अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी डेड बॉडी को कॉप्स कहा जाता है और जो जानवर जानवर या कोई एनिमल अगर मरता है उसकी बॉडी को कारकास कहा जाता है. स्प्रिंटिंग ये एक वर्ब है और यहाँ पे उसका मीनिंग है टू रन एट अ फुल स्पीड, ये इसका यूजुअल मीनिंग है और यहाँ पे ये जो ट्रीज हैं उनके स्प्रिंटिंग का मतलब पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है. स्पिलिंग ये भी एक वर्ब है, इसका मीनिंग है टू कम आउट ऑफ अ प्लेस सडनली एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी किसी चीज का अचानक किसी जगह से बाहर निकलना काफी तेजी से, उसका मतलब होता है टू स्पिल. वैन का मतलब होता है कलरलेस. पेल का मतलब है वेरी लाइट इन कलर, मतलब अगर किसी चीज का पर्टिकुलर कोई कलर है, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन का एक वीटिस कलर होता है लेकिन अगर वो पेल है इसका मतलब कि उसमें वो कलर दिखाई नहीं पड़ रहा. विंटर्स मून, विंटर्स का मून है सर्दियों के वक्त में जो मिस्ट और फोग की वजह से जो मून होता है बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, इस सेंस में यहाँ पे पॉइंट ने इसे इस वर्ड को यूज किया है. एंड द लास्ट वन वर्ड इज एक यानी कि पेन, है ना, जैसे कि हेडेक हो गया या स्टमक एक हो गया, उस सेंस में ये पेन की बात की है इन्होंने. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम. इस पूरी फुल पोएम को मैंने यहाँ पे आपके लिए फेमिलियराइज करने के लिए यहाँ पे इसे नोटिस कर लिया है. सो लेट्स रीड. पोएट कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, यानी वो अपने पेरेंट्स के घर पे थी, वहां से रिटर्न वो कोचिन से वो अपनी मदर के साथ में एयरपोर्ट के लिए जा रही है क्योंकि उन्हें शायद अब वहां से कहीं और जाना है या अपने खुद के घर जाना है.
और उस वक्त उन्होंने अपनी मदर को देखा अपनी कार में, जो उस वक्त में हल्की नींद यानी कि डोज कर रही थी। हमने आगे वर्ड देख लिया, डोज का क्या मीनिंग है ये भी आपको पता चल गया है। ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड शी लुक्ड। और अपनी मदर को इस कंडीशन में देख के उन्हें ऐसे रियलाइज हुआ कि जैसे उनकी मदर है वो शायद किसी कॉप्स की तरह यानी कि कोई मुर्दा हालत में कोई पड़ा हो, उस तरीके से उन्हें देख करके ये रियलाइज होता है कि उनकी मदर बिल्कुल ही अब बूढ़ी भी हो गई है और उनका फेस जो है वो बिल्कुल ही एशन लाइक हो गया है, एक फीका जैसा पड़ गया है बिल्कुल, उसमें कोई एनर्जी या कोई जान अब नहीं बची है। और इससे उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी मदर जो है वो अब सचमुच बूढ़ी हो गई है, ऑलरेडी वो बूढ़ी ही थी लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज भी हो गया इस तरह से कि वो काफी बूढ़ी हो गई है, और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का जो उनका फीलिंग है वो यहाँ से उनके दिल में बैठ जाता है और काफी नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आने लगती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ये जो कार के अंदर इन्होंने अपनी मदर को देखा और उनकी जो थॉट्स यहाँ पे मतलब नेगेटिव हो गई और काफी उन्हें मतलब बेचैनी जैसा फील होने लगा होगा, तो उन सब से अपना ध्यान हटाने के लिए उन्होंने बाहर की तरफ देखा और बाहर उन्होंने क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब आप कार में अगर बैठे हो और आप बाहर की तरफ देखेंगे या किसी भी गाड़ी में आप बैठे हैं तो आपको जो जो पेड़ हैं, जो झाड़ हैं, वो ऐसा लगेगा कि वो भाग रहे हैं पीछे की तरफ। तो सेम यही सीन उन्हें ये देखने को मिलता है एंड उनकी नजर फिर कुछ किड्स पे, कुछ चिल्ड्रन पे पड़ती है, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। किस तरह से जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज क्रिएट की है पोएट ने कि अंदर कार के अंदर जो एक सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही नेगेटिव थी, अपनी मदर को वो देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल ही एक नेगेटिव फीलिंग आती है, सारी एनर्जी जो है उनकी वो जैसे लूज हो गई ऐसा लग रहा है, लेकिन बाहर देखते के साथ ही उन्हें ग्रीन ट्रीज दिखते हैं जिसमें उन्हें एक यूथफुलनेस का एहसास होता है, एनर्जी का एहसास होता है, बच्चों को खेलता देख के भी। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज क्रिएट की है पोएट ने। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे जब वो फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी चेकअप के बाद में वो अपनी मदर को देखती हैं जो का थोड़ा सा दूर वहां पे उनसे खड़ी हैं, और अगेन उनकी जो नजर है उनके चेहरे पे पड़ती है जो बिल्कुल कलरलेस और पेल हो गया है। और यहाँ पे वो कंपेयर करती है अपने मदर के फेस को एक लेट विंटर्स मून के साथ में। पहले उन्होंने अपने मदर के फेस को एक कॉप्स के साथ में कंपेयर किया, यहाँ पे वो लेट विंटर्स मून के साथ में कंपेयर कर रही है। और विंटर में भी जो मून है वो जनरली बिल्कुल धुंधला हो जाता है, उसकी सारी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। तो अगेन ये अपनी मदर की जो बढ़ती हुई एज है उसकी तरफ वो इशारा कर रही है। ओल्ड एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अगेन उन्हें एक बहुत ही जाना पहचाना एक जो दर्द है, उनका जो डर है उससे वो उनके दिल में वापस से ताजा हो जाता है। क्या है वो डर, माई चाइल्डहुड फियर, और वो उस डर को बताती है जो उनके बचपन का एक डर है। और यूजुअली बचपन में हर लड़का या लड़की को अपनी मदर से बिछड़ने का एक डर होता है, तो उस डर की तरफ यहाँ पे इन्होंने इशारा किया है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उन्होंने अपना जो एक इमोशन है अपनी माँ से बिछड़ने का उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और बहुत ही इजीली और कंफर्टेबली उन्होंने अपनी मदर को कहा सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और अपने सारे मतलब जो उनके पेन या जो डर थे उनको छुपाते हुए अपनी मदर को एक होप देते हुए एक प्रॉपरली गुड बाय करने के लिए उन्होंने स्माइल की, और इस तरह से यहाँ पे इस पोएम को ऑथर ने पोएट ने फिनिश किया है। सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड एन ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम। आई होप आपको इसमें जो डाउट्स हैं वो शायद पूरे के से पूरी की तरह क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।